देख रहे हैं एसपी नाइन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। देखिए आपको बता दें कि यहां पर एकनाथ शिंदे ने एक वक्त में यहां उद्धव ठाकरे को धोखा दिया था, वो भी विधायकों को अपने गुट में आकर। कम से कम यहां देखा गया था कि कम से कम 20 विधायक यहां उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे के खेमे में शामिल हो गए थे। लेकिन इस वक्त जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं शायद आप चौंक जाएंगे। जो बागी विधायक यहाँ पर शिंदे के पास गए थे, अब यहाँ उन्हीं विधायकों से शिंदे को डर लगने लगा है। अगर आपको एक लाइन में मैं समझाऊं तो यहाँ शिवसेना विधायकों को लेकर शिंदे के मन में कहीं ना कहीं घबराहट होने लगी है। अगर ये विधायक भी उसी तरीके से यहाँ धोखा देंगे एकनाथ शिंदे को, तो शायद शिंदे के पास कुछ नहीं बचने वाला, क्योंकि आने वाले समय में शिवसेना भी उद्धव ठाकरे की ही होगी, ये पूरे महाराष्ट्र को पता है, सभी पार्टियों को पता है। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे को एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, और एक तरफ से नहीं, दो दो तरफ से, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट से और दूसरा विधायकों की तरफ से। देखिए यहाँ पर बता दें कि विधायकों का तांता लगा हुआ है कि एकनाथ शिंदे की वो कमियां खोजने में जुटे हुए हैं, और अगर ऐसा ही होता है तो सारे बागी विधायक शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे में वापसी कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो यहाँ एकनाथ शिंदे के ऊपर संकट के बादल मंडराने लगेंगे। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे ने यहाँ उद्धव ठाकरे को धोखा देकर एक बहुत बड़ी गलती करी थी, सिर्फ मुख्यमंत्री पद के लालच में। लेकिन शायद एकनाथ शिंदे ये नहीं जानते कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ आपका यूज कर रही है। जिस दिन बीजेपी को आपसे काम खत्म हो जाएगा, उस दिन आपको दरकिनार कर दिया जाएगा और शायद देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। खैर ये आने वाला समय बताएगा कि आखिरकार होता क्या है। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र में दोबारा से तख्ता पलट जरूर होगा। देखने के लिए बने रहिएगा एसपी9 न्यूज के साथ। धन्यवाद।